बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्वर। तो आइए कुछ स्वरों की पहचान करते हैं। अ से अनार, अ से आम, छोटी छोटी से इमली, बड़ी बड़ी से ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ बड़े ऊ से ओम, री री से ऋषि, ए से एडी, आई से आईना, ओ से ओगली, औ औ से औरत, आ अम से अंगूर, अ हर। तो ये सब हमारे क्या थे बच्चों? ये हमारे सभी स्वर हैं। व्यंजन, तो आइए कुछ व्यंजनों की पहचान करते हैं। जैसे ख, ख से कबूतर, ख ख से खरगोश, ग ग से गमला, घ घ से घड़ी, अड़ा हाली, च च से चरखा, छ छ से छतरी, ज ज से जहाज, झ झ से झरना, अड़ा हाली, ट ट से टमाटर, ठ ठ से ठटेरा, ड ड से डमरू, ढ ढ से ढक्कन, अड़ा हाली, त त से तरबूज, थ थ से थर्मस, द द से दमाद, ध ध से धनुष, न न से नल, प प से पतंग, फ फ से फल, म म से बतक, भ भ से भालू, म म से मछली, य य से यज्ञ, र र से रथ, ल ल से लट्टू, व व से वपु, श श से शलवा, श श से षटकोण, स स से सपेरा, ह ह से हलम, छ छ से क्षत्रिय, त्र त्र से त्रिशूल, ज्ञ ज्ञ से ज्ञानी, श श से श्रमिक, ण से सड़क, ण यानी पढ़, तो यानी पढ़ का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारे व्यंजन थे। तो अभी हमने यहाँ पर कुछ स्वरों की पहचान करी है और कुछ व्यंजन की पहचान करी है। तो आइए ये वर्ण माना देखते हैं। इसको आपको याद करना है वर्क में। स्वर वर्ण जो मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो स्वर वर्ण कौन से होते हैं? ए आ ई ई उ ऊ री ए ए ओ औ अम और अर। ये हम व्यंजनों के साथ इनका प्रयोग करते हैं मात्राओं के रूप में। व्यंजन वर्ण जिन पर मात्राएं लगती हैं, तो ये कुछ व्यंजन वर्ड्स हैं, कुछ व्यंजन वर्ण है ये जिन पर हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं। संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन से हैं? छ त्र ज्ञ और श। ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन है। और इसके बाद अतिरिक्त वर्ण हमारे क्या है? अण और अण। तो ये अण और अभ हमारे क्या है? ये अतिरिक्त वर्ण है। तो यहाँ पर हमने स्वर और व्यंजन की अच्छे से पहचान दी है। बच्चों अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ।